नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राठ। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिनकी ना भक्तों की तादाद में कोई कमी आई और ना ही लोकप्रियता में। हमेशा से एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत रहे हैं जिनके दरबार में भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाजिरी लगाई। हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा, जिनमें लोगों को साईं बाबा का अवतार भी दिखा और मानव सेवा का पुजारी भी नजर आया। आंध्र प्रदेश के आनंदपुर जिले के पट्टपार्थी गांव में जन्मे सत्य साईं बाबा जब महज देखे 14 साल के थे, तभी से उनके चमत्कारों का सिलसिला शुरू हो गया। हवा में देखे खाली हाथ भभूति बरसाना हो या फिर शिवरात्रि पर सोने का शिवलिंग अपने मुंह से निकालना, ऐसे न जाने देखे कितने चमत्कार सत्य साईं बाबा ने दिखाए, जिसके चलते देश विदेश में उनके भक्तों की संख्या बढ़ती है। दुनिया ने न सिर्फ देखे सत्य साईं बाबा के चमत्कार देखे, बल्कि उनकी मानव सेवा भी देखी। जीवन भर मानव सेवा को अपना धर्म बनाकर सत्य साईं बाबा ने इतने बड़े बड़े कार्य किए, जिसके कारण आज भी उनकी गिनती दिव्य पुरुषों में होती है। कहते हैं जब 20वीं सदी में आंध्र प्रदेश में बुरा अकाल पड़ा था, तब सत्य साईं बाबा ने 750 गांवों के लिए पानी की व्यवस्था करवाई थी। आध्यात्मिक उपदेशों के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी सत्य साईं बाबा ने अनेकों कार्य किए हैं। और देखिए आज की तारीख में दुनिया भर में सत्य साईं बाबा ट्रस्ट द्वारा मुफ्त में अस्पताल, क्लिनिक, विश्वविद्यालय और आश्रम चलाए जा रहे हैं। सत्य साई बाबा का यही मानव सेवा भाव आम आदमी से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियों के दिल को छुआ। ऐसा कोई नहीं जिसे सत्य साई बाबा के दरबार में देखिए हाजिरी ना लगाई हो। बाबा के भक्तों की लिस्ट में तो देखिए पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, अशोक सिंघल और RSS के लगभग सभी बड़े नेताओं का नाम शामिल है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सत्य साईं बाबा पर अटूट विश्वास रखते हैं। गूगल पर आपको ना जाने कितनी तस्वीरें मिल जाएंगी जिनमें पीएम मोदी सत्य साईं बाबा का आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली दफा मोदी जी को देखकर सत्य साईं बाबा ने एक ऐसी भविष्यवाणी की थी जो की 100% सटीक बैठी। दरअसल साल 2004 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी जब सत्य साईं बाबा के आशीर्वाद के लिए उनके मुख्य आश्रम प्रशांति नीलायाम पहुंचे, तब उन्हें देखते ही सत्य साईं बाबा ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और उस वक्त देखिए भले ही पीएम मोदी गुजरात की राजनीति में अपना पैर जमा रहे थे, लेकिन सत्य साईं बाबा को उनमें देश का प्रधानमंत्री नजर आया। कहते हैं जब एक शख्स ने सत्य साईं बाबा से पूछा कि क्या साल 2012 में समूची दुनिया का अंत होने जा रहा है, तो उसके जवाब में सत्य साईं बाबा ने कहा कि 2012 तक दुनिया का अंत होना असंभव है, लेकिन कलयुग के अंत की शुरुआत हो जाएगी और साल 2022 तक एक ऐसा स्वर्ण दौर आएगा जब भारत विश्व स्तर पर दुनिया का नेतृत्व करेगा और चारों तरफ धर्म की पुनः स्थापना होगी। और देखिए आज भले ही सरशरीर सत्य साईं बाबा हमारे बीच नहीं है, लेकिन भक्तों को उनकी मौजूदगी का एहसास आज भी होता है। साल 2016 में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने संजीवनी सेंटर फॉर चाइल्ड हार्ट केयर एंड रिसर्च का उद्घाटन किया, तब सत्य साईं बाबा को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, आज सत्य साईं बाबा हमारे साथ हर पल सूक्ष्म रूप में है। उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य और उनका आशीर्वाद सात्विक प्रवृत्तियों को बल देता है। बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस उद्गम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। तो बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सत्य साईं बाबा को इस तरह से तहे दिल से याद करना, देखिए ये दर्शाता है कि आज भी सत्य साईं बाबा की भक्ति उनके हृदय में बसती है।